जय जय श्री राम। पीएम जी का भाई जो डिमांड है, डिमांड के ऊपर में हम लोगों को जो दिया है जाएगा तो हम लोग को भी खुशी होगा और पूरे हिंदुस्तान को खुशी होना चाहिए इस बात का जो राम मंदिर के लेकर मामला है। मोदी जी बोला है 22 तारीख को हर एक घर में 5 दिया जलाने। जलेगा, बिल्कुल जलेगा। जब घंटा बज सकता है, दिया जल सकता है लॉकडाउन के समय, अभी क्यों नहीं? अभी कौन लॉकडाउन है? अभी तो लोग फ्री है, एकदम से कुछ भी कर सकते हैं। 5 बोले 10 जलेगा। दूसरा दीपावली बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं दूसरा दीपावली। मतलब दिया का काफी डिमांड मिल रहा है। रहेगा काफी कर दिया। जब देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तैयारी में तो कोई आ नहीं, तैयारी क्या? जब आएंगे तो तैयारी हो जाएगा। ये तो 2 दिन का बात है, आज बनेगा कल पक जाएगा परसों निकल जाएगा। ये तो कुमार पाड़ा है, आप लोग तो भाल वगैरह सब हाँ। इस बार आप लोग का क्या सबसे ज्यादा डिमांड है? सबसे ज्यादा डिमांड अभी तक दिया का है सबसे ज्यादा। क्योंकि मोदी जी बोले हुए हैं कि दिया हर हर घर में दिया जलना चाहिए, 5 ठो 10 ठो जिसका जिस शक्ति है उतना जलाइए। तो ये कितना ऑर्डर मिल रहा? पहले क्या मिलता था, अभी क्या मिल रहा? अभी तो मतलब अभी 8 में मिलते रहा था तो अभी 10 में हो गया है, सब कर रहा है, अभी 10 में जाएगा दिया। अभी ये दूर 1 रुपया हो गया, अब पहले 8 पैसा था, अब 1 रुपया हो गया सीधा सीधी। तो चाहिदा कैसा है? डिमांड माने चाहिदा माने मार्केट में इसका दिया का और सेलिंग होए, दिया का और सेलिंग होए, भाड़ का सेलिंग होए। पार्टी क्या बोल रहा है? पार्टी ठीक ही बोल रहा है, पार्टी अभी आया नहीं है, अभी अब आएगा पार्टी। सस्ती सस्ता मांग रहा है पार्टी, बोला कि नहीं 800 में बोल रहा है। में जो दीदी आप लोग का घटा हुआ है, मैंने दिया नहीं बिक्री कर पाए, हम लोग अपना पूंजी लगा के काम किए, फिर हम लोग को पूंजी नहीं मिला, हम लोग पेट का लाचार से हम लोग करते हैं। कोई सरकार हम लोग को कुछ नहीं, राशन भी गेहूँ भी देता था वो भी बंद कर दिया सरकार, खाली मोटा मोटा चावल का हम लोग खा के मरेंगे क्या? अच्छा दीदी, ये बोले राम मंदिर में जैसे बन रहा उद्घाटन है 22 तारीख, उसमें बोला गया है कि हर घर में 5 दिया का दी जलाना, तो कोई दिया वाला पैकार नहीं आया है अभी तक? नहीं, नहीं आया है। हम लोग ऐसे घर में ऐसे शौक से बनाते, जो कोई 2-4 दिया लेने आएगा तो ले लेगा, 5 दिया बस यही, कोई पैकार नहीं आया है। इतना कितना आदमी का बची गया इस साल दिया, तो कहाँ से आएगा? तब चाहते हैं आप लोग का दिया निकल जाए। हाँ, हम लोग तो बड़ा आदमी नहीं ना है, गरीबी है, हम लोग सोचते हैं दिया बेचाएगा तो हम लोग का 2 पैसा लाभ होगा। क्या लगता है राम मंदिर उद्घाटन में ये वाला दिया जलाएगा घर में आदमी? हाँ, जो बोले है तो जलाएगा ही, ऐसा बात नहीं है, जो हुक्म होता है वो पूरा ही सब करता है। तो इसमें तो दिया बचेगा नहीं, तो जब ऑर्डर आएगा तो ना आदमी बनाएगा, बना के तो घर में रखेगा नहीं ना। दिया का कैसा डिमांड है, कैसा चाहिदा है? बहुत अच्छा चाहिदा है, आदमी मांग रहा है हम लोग से दिया, जो हम लोग जलाएंगे तो हम लोग का मन खुशी है। बहुत अच्छा करलन की दिन देखलन, साल में इस टाइम में दिया नहीं लगता था? नहीं, कभी नहीं लगा, इस टाइम लग रहा है। तो इसमें आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी को क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा बोलना चाहेंगे, वो तो एक तो भगवान उतर के आया है।
कभी नहीं हम लोग सोचे थे वो चीज आज हुआ है, हुआ ना भैया। तब ये जो पांच दिया जलेगा हर घर में, हर घर में दिया जलेगा, इसीलिए हम लोग को माने हम लोग को खुशी है जो हम लोग का हम लोग को तो आमदनी बढ़ा, हम लोग को तो बढ़ा। हम लोग एक साल बनाते थे दिवाली के लिए, ताकते थे जो दिवाली में जाएगा, अभी तो दिवाली का महीना होबे किया, फिर से हम लोग को बनाने हुआ डबल दिवाली हो गया, डबल खुश है। हाँ डबल खुशी है हम लोग। क्या बोलिएगा राम के नाम पर? जय जय श्री राम। हाँ क्या बोलेंगे। আগামী 22শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদযাপন, এবং এই উদযাপন নিয়ে মানুষের মধ্যে রয়েছে উদ্দীপনা। সবথেকে বেশি উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে কুমারদের মধ্যে, কারণ মোদিজি বলেছেন যে প্রত্যেক বাড়িতে পাঁচটা করে দিয়া জ্বালাতে হবে সন্ধ্যেবেলা, এবং সেই নিয়েই কিন্তু এই কুমাররা উঠে পড়ে লেগেছে প্রদীপ বানানোর জন্য। প্রত্যেক কুমারের ঘরেই কিন্তু প্রদীপ তৈরি হচ্ছে, এত বেশি আকারে প্রদীপ তৈরি করছে, এবং তারা মনে করছে যে এটা একটা নতুন দীপাবলি, এবং এই দীপাবলিতে মানুষ যে কীভাবে এটাকে গ্রহণ করবে, আগের দীপাবলিতে যতটা লস হয়েছিল তার ঠিক দ্বিগুণ লাভ করতে পারে বলে আশাবাদী কুমাররা। এবং এই কুমাররা এই আশাকে বুক বেঁধে তারা কিন্তু প্রদীপ তৈরির কাজে লেগে গেছে। হাওড়া থেকে হিমাদ্রি ঘোষ, আজ তাক বাংলা।